मैंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ी शिद्दत से कोशिश की कि हिंदुस्तान का जो मुकुटमणि है जम्मू कश्मीर, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय हो। और 2014 के पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिला करके 7 नेशनल हाईवे हुआ करते थे। 2021 में आज के दिन जब हम खड़े हैं तो केवल 11 हाईवे जम्मू कश्मीर में हैं और कई ऐसे प्रस्तावित हैं जो आने वाले कुछ दिनों में शुरू होने वाले हैं। पिछली बार जब मैं दिल्ली गया था और माननीय नितिन गडकरी जी के साथ जब विस्तार से हम लोगों की चर्चा हुई थी तो जो हमारी दिक्कतें थी उनका चंद मिनटों में समाधान माननीय गडकरी जी ने किया और उसके लिए मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कुल जो नेशनल हाईवे की लंबाई थी लद्दाख को मिला करके वो 1695 किलोमीटर हुआ करती थी, आज वो बढ़ करके केवल जम्मू कश्मीर में 2200 किलोमीटर हो गई है और मुझे लगता है कि आने वाले 2 वर्षों में इसमें कम से कम 600 किलोमीटर की और बढ़ोतरी होने वाली है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि यहाँ के प्रगति में, विकास में, आर्थिक उन्नयन में राष्ट्रीय परिवहन मंत्रालय का बड़ा भारी योगदान होने वाला है। मैं बाकी चीजों के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन 2014 से 21 के बीच लगभग 1000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी में घोषित किए गए हैं। और आप सबको मालूम है कि जो रेल लाइन बन रही है, चेनाब नदी पर बनने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, वो आने वाले 6 महीने में पूरा हो जाएगा। तो अगले साल कश्मीर कन्याकुमारी से रेल मार्ग से भी जुड़ जाएगा। हवाई परिवहन के क्षेत्र में भी कुछ बड़े फैसले हुए हैं और पहली इंटरनेशनल फ्लाइट शारजाह की अक्टूबर महीने में हम शुरू करने जा रहे हैं। एयर कार्गो भी इसी सितंबर में ख़त्म हो जाएगा तो एयर कार्गो भी शुरू हो जाएगा। इसके कारण यहाँ के आर्थिक विकास में निश्चित रूप से प्रगति आएगी।